ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों वीवो ने हाल में ही अपने ब्रांड न्यू डिवाइस वीवो वी 11 प्रो को लॉन्च किया था और ज्यादा दिन हुए नहीं उन्होंने अपने एक और ब्रांड न्यू डिवाइस वीवो वी 9 प्रो को लॉन्च कर दिया। आज के इस वीडियो में इस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं वीडियो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस महीने के शुरुआत में ही उन्होंने अपने ब्रांड न्यू डिवाइस वीवो वी 11 प्रो को लॉन्च किया था। हालांकि उस डिवाइस का जो प्राइस है वो है 25,990 रुपया और लगभग सेम स्पेसिफिकेशन वाला ऐसा ही फोन जिसका नाम है वीवो वी 9 प्रो उसे आज लॉन्च कर दिया गया है और इस डिवाइस का प्राइस है 17,990 रुपया। आइए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं ये स्मार्टफोन कैसा है। सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाना चाहूंगा इस डिवाइस का, तो देख लीजिए यही है इस डिवाइस का इमेज। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। यहां पे भी आपको नॉच देखने को मिलता है, लेकिन बात यह है कि जो वीवो वी 11 प्रो था वहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता था, लेकिन यहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को नहीं मिलता है, यहां पे एक सिंपल सा नॉच आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले इस डिवाइस में प्रोसेसर की, तो यहां पे यूज किया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, जहां पे आपको साथ देखने को मिल जाएगा एंड्रिनो का 512 यानी कि 512 जीपीयू का। साथ ही साथ अगर डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल डिजाइन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, क्योंकि जो वीवो वी 11 प्रो था वहां पे आपको अंडर डिस्प्ले या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता था, लेकिन इस साइड इस डिवाइस के बैक साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। डिजाइन में ये थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले कैमरे की, तो इस डिवाइस आपको रियर साइड में देखने को मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस में आपको 3260 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस डिवाइस में आपको 4GB की रैम भी देखने को मिल जाएगी 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। यहाँ पे आपको इस डिवाइस में सभी प्रकार के लगभग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, एम्बिट लाइट सेंसर हो, जायरोस्कोप हो, कंपास हो, लगभग सभी प्रकार के आपको सेंसर इस डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कुछ और जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें यानी कि नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4G वोल्टी का सपोर्ट। साथ ही साथ इस डिवाइस में आपको ब्लूटूथ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यही है इस डिवाइस का फुल स्पेसिफिकेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस डिवाइस की जो कीमत है वो है 17,990 रुपया और इस डिवाइस को आज ही भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यहां पे बात रही रिव्यू की, तो ओवरऑल जो डिवाइस है यानी कि मैं अपने ओपिनियन की, तो ओवरऑल जो डिवाइस है वो बहुत कमाल का है। ऐसे में अगर आपको वीवो पसंद है, आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए यानी कि कुछ इनोवेशन चाहिए, तो आपके लिए वीवो वी 11 प्रो बेहतर है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए जो वीवो वी 9 प्रो डिवाइस है ये बड़ा ही कमाल का डिवाइस है। तो यही है दोस्तों मेरा ओपिनियन, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।